दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब संपूर्ण पृथ्वी पर केवल सनातन धर्म का ही डंका बजता था। सभी मनुष्यों की एक ही विचारधारा व संस्कृति थी। उस समय प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी अवस्था व विश्वास के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो धर्म का मतलब ही मानवता से है, यानी एक ऐसी जीवन शैली जो मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाती है, दूसरे का सहयोग करना, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर उसे महसूस करना, यथासंभव एक दूसरे की मदद करना ही धर्म कहलाता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और 7वीं शताब्दी में अरब के रेगिस्तान में एक ऐसे पंथ यानी कि एक ऐसे धर्म की उत्पत्ति हुई जो लोगों को अपने विचारधाराओं को मानने के लिए मजबूर किया। इस्लामिक आक्रांताओं ने तलवार के जोर पर दुनिया में इस्लाम का प्रचार शुरू और लोगों को सनातनी से इस्लाम में कन्वर्ट किया। कहते हैं कि जब इस्लामिक युग आरंभ हुआ तब मुस्लिम आक्रांताओं ने जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया और उन्हें सनातनी से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। इस्लामिक आक्रांताओं ने सनातनियों मूर्ति पूजकों पर बहुत अत्याचार किया, उनके बहन बेटियों की अस्मत लूटे। इसके अलावा उन्होंने इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए जबरदस्त दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ अनैतिक संबंध बनाए और उन्हें गर्भवती किया और उनसे इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया, और कुछ इस कदर धीरे धीरे इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ती गई कि दुनिया के 57 देश इस्लामिक देश के तौर पर जाने जाने लगे। इतिहासकारों की माने तो 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैला और 16वीं शताब्दी के अंत में भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब का शासन हुआ। उसने अपने शासनकाल में पूरे हिंदुस्तान पर शरियत कानून लागू कर दिया। उसने अपने राज में हिंदुओं के लिए बेहद कठोर नियम बनाए। उसने हिंदू को अपने धार्मिक स्थल पर जाने से रोकने के लिए हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर टैक्स लगा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि गरीब हिंदू अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, उसने हिंदू त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं को मेले आदि जैसे जगहों पर इकट्ठा न होने के लिए हुक्म दिया गया। इसके अलावा हिंदुओं को हाथी, घोड़े, ऊंट की सवारी करने से भी मना कर दिया गया। उसके शासनकाल में हिंदू का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। लाखों मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। हालांकि दोस्तों, जिस तरीके से इन इस्लामी आक्रांताओं ने तलवार के जोर पर इस्लाम का प्रचार किया था, जबरन लोगों को मुस्लिम बनाया था, ठीक उसी तरह अब पूरी दुनिया से इस्लाम के अंत का खौफनाक संकेत मिलने लगा है। क्योंकि 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक जिस तरह हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था, ठीक उसी तरह अब चीन जैसे देशों में मस्जिदों को तोड़कर उन पर टॉयलेट और शराब के ठेके का निर्माण करवाया जा रहा है। मुस्लिमों को कुरान पढ़ने और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यहां तक कि दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों को जेल में ठूंसा जा रहा है। भूटान, जापान जैसे कई अन्य देशों ने अपने यहां मस्जिद बनाने पर रोक लगा दिए हैं। भारत में भी मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के ठोस प्रमाण मिल रहे हैं, जिसके आधार पर मस्जिदों को गिराकर मंदिर बनाने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी मगर इन सभी घटनाओं के बारे में हमारे पुराणों में पहले से ही लिखा जा चुका था। आज से 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास जी ने भविष्य पुराण नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही संपूर्ण जानकारी मिलती है। और इसी भविष्य पुराण से पता चलता है कि ईसा और मोहम्मद के जन्म के हजारों साल पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने पुराण ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव और विकास तथा ईसा मसीह तथा उनके द्वारा आरंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में लिख दिया था। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व खंड 3 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 में महामद यानी कि मोहम्मद का विवरण एक पैशाच यानी कि पिशाच धर्म संस्थापक के रूप में किया गया है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी मगर भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि एक समय जब हिंदुस्तान की सीमा ईरान इराक तक फैली हुई थी तो उस समय हिंदू कुश की पहाड़ी में एक भव्य शिव मंदिर हुआ करता था। कहानियों की माने तो एक बार कुछ संत हिंदू कुश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे, जहां भगवान शिव उन्हें बताया कि अब आप सभी यहां से लौट जाइए, मैं भी इस स्थान को सदा के लिए छोड़ रहा हूं। जाओ और सभी को बताओ कि अब यहां किसी को आने की जरूरत नहीं है।
थोड़े ही दिनों में यहाँ इस्लामिक राक्षसों का आगमन होगा। कहानियों की माने तो इसके कुछ दिनों बाद ही इस्लामिक खलीफाओं ने हिंदू कुश के इलाके में आक्रमण किया और वहां रह रहे अफगान और 15 लाख हिंदू का सामूहिक कत्लेआम किया। हिंदुओं के ग्रंथ भविष्य पुराण में इस्लाम धर्म के बारे में मोहम्मद के जन्म के कई हजार साल पहले ही बता दिया गया था। भविष्य पुराण में एक श्लोक मिलता है, लिंड गच्छेदी शिखा हिना समश्रुत धारी सदूषका उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनुमम विना कौलम च पश्यतासम भक्ष्यामम तामम मुसले नैव संस्कार कुशेरी भी भविष्यति तस्ला मुसलवंतो ही जातियो धर्म दूषका इति पैशाच धर्मस्य भविष्यति माया कृता। अर्थात रेगिस्तान की धरती पर एक पिशाच जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राही माम कर उठेगी। वो असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग जन्म लेते ही खुद पर इस्लामिक ठप्पा लगाने के नाम पर अपने ही लिंग के भाग को काटेंगे। उनकी शिखा यानी कि चोटी नहीं होगी। वो दाढ़ी तो रखेंगे पर मूंछ नहीं रखेंगे। वो जोर जोर से आवाज करके भगवान शिव की प्रार्थना करेंगे। वे लोग खुद को मुसलमान बताएंगे और राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे। ये असुर कालांतर में हिंसा करते करते स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा इस पुराण में भारत वर्ष के वर्तमान समस्त आधुनिक इतिहास का वर्णन है। इसके प्रति सर्ग पर्व के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महावीर बप्पा रावल, हेमू आदि हिंदू राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमूर लंग, बाबर तथा अकबर आदि का वर्णन है। विक्रम वैताल तथा वैताल पच्चीसी की कथाओं का विवरण भी इसी पुराण में मिलता है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। अलाउद्दल की प्रसिद्ध आख्यान भी इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है। इसके अलावा भविष्य पुराण में एक और श्लोक मिलता है, तेषां प्रापय महाकोशम दंड योग्यान कार्यत एतस्मिन् तरे मलेच्छ आचार्येन सम्मति। अर्थात उनका बहुत सा कोष प्राप्त करके उन सबको योग दंड दिया था। इसी काल यानी कि समय में मल्लेच्छों एक आचार्य होगा जिसका नाम महामल यानी कि मोहम्मद होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मुस्लिम भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। उसका प्रमाण भी भविष्य पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार महामद भगवान शिव का भक्त था। फिलहाल तो दोस्तों भविष्य पुराण में इस्लाम के अंत के बारे में जैसा बताया गया है ठीक उसी तरह घटनाएं दुपिया में घट रही है, जिससे यही पता चलता है कि इस्लाम का अंत निकट है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में।